Hello children, how are you all? I hope you all are fit and fine at home. Myself Manaruka from Shivjyoti Educational Group of Kota. As Diwali is coming near, so today we are going to make a Diwali craft activity. और इसमें हम बनाने वाले हैं लक्ष्मी जी के चरण. बेटा जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, जब भी दिवाली की पूजा होती है तो हम वहाँ पर उनके पैरों का जो प्रिंट होता है उसको लक्ष्मी जी के चरण बोलते हैं. तो बेटा आपको ये बनाना सिखाऊंगी मैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं. नाउ चिल्ड्रन, वी आर टेकिंग क्राफ्ट मटेरियल फॉर दिस एक्टिविटी. पेंसिल, सीजर्स, फेविकॉल, गोल्डन लेस, बीट्स, पर्ल्स एंड रेड ग्लिटर शीट. बेटा देखिए, यहाँ से हमें पेंसिल की हेल्प से ग्लिटर शीट को आप उल्टा कर लेंगे बैक साइड में. यहाँ से लक्ष्मी जी के चरण आपको ड्रॉ करने हैं. बेटा घर में सबके दिवाली की पूजा होती है और हम लोग जब दिवाली की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, है ना, और उनके सामने हम उनके चरण भी ड्रॉ करते हैं ना बेटा. या तो आप ड्रॉ कर लीजिए, नहीं तो हम मार्केट से बने हुए लेके आते हैं. तो इस बार आपको मार्केट से बने हुए नहीं लेके आने हैं, जैसा आपको मैम ने समझाया है. मैम जैसे आपको बनाना सिखा रहे हैं बेटा, आपको बिल्कुल वैसे ही घर में बनाना है और अपने घर की पूजा की जगह पर आपको रखना है. बेटा देखिए, इस तरीके से आपको कट करते हुए जाना है यहाँ से. बेटा देखिए, आपको इस तरीके से ही कट करना है. अब हम इसकी बाउंड्री पे ये लेस को पेस्ट करेंगे. तो हम इसके हिसाब से, इसके मेजरमेंट के हिसाब से इसको कट कर लेते हैं. बेटा ये देखिए, फेविकॉल आपको ऐसे लगानी है. पहले आप पूरे में इसमें फेविकॉल लगा दीजिए, फिर आपको लेस लगाना बहुत इजी हो जाएगा और जल्दी भी लग जाएगी. बेटा ये देखिए, मैम ने इस तरीके से फेविकॉल लगा दी है पूरे में. एक ही बार में आप लोग भी ऐसे ही लगा दीजिए और तब तक हम इस पे लेस लगाना शुरू करते हैं. ये देखिए कितना ईजी है. ये देखिए बच्चों, एक ही बार में पूरी लेस कंप्लीट हो चुकी है हमारी. अब इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे. तब तक हम दूसरे पैर पे ये जो हमने बनाया है लक्ष्मी जी का चरण, तो इसके ऊपर हम फेविकॉल लगा के लेस लगा लेते हैं फटाफट से. बेटा देखिए, ये भी थोड़ा सा गीला है तो हम इसको सूखने के लिए साइड में करते हैं. तब तक इनके फिंगर्स बनाते हैं पैरों के. पेंसिल से इसकी फिंगर्स अलग अलग आपको ड्रॉ करते हुए कट करना है. बेटा ये देखिए, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है और अब मैं इसको कट कर लूँगी. आप लोग भी कट कर लीजिए. ये देखिए बेटा, ये इस तरीके से कट हो चुकी हैं. अब हम इसको डेकोरेट करने के लिए इसमें से कुछ मोती लेंगे और इनकी टिप्स पे लगा देंगे. सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे फेविकॉल लगाना शुरू करिए और इस पे हम पर्ल रखते जाएंगे. और ये भी थोड़ी देर में ड्राई हो जाएगा तो बेटा इसको, ये जो हमने चरण बनाए हैं इसके साथ में पेस्ट कर देंगे. तो ये कंप्लीट हमारा हो जाएगा और इसको डेकोरेट करना शुरू करते हैं. और भी हम इस तरीके से देखिए बेटा, ये देखिए ये देखिए बेटा, जहाँ जहाँ मैम फेविकॉल लगा रहे हैं आप लोगों को भी बिल्कुल ऐसे ही लगानी है. और यहाँ पे हम पर्ल्स लगाना शुरू करेंगे. सेकंड वाले में भी बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है. ये देखिए, अब हम पर्ल लगाना शुरू करेंगे और इसके बाद में हम ये वाला जो एरिया है बेटा, यहाँ पे आपको मिरर से इसको डेकोरेट करना है. ये देखिए कितना फास्टली काम हो रहा है.
आप लोग भी इसको रेडी करेंगे तो बेटा आपसे भी बहुत जल्दी हो जाएगा ये। और कितना इजी है और ब्यूटीफुल लग रहा है बेटा, आप लोग भी इसको इसी तरीके से डेकोरेट करते रहिए। ये देखिए हमने सेकंड वाले में भी पर्ल्स लगा दिए हैं, आप लोग भी ऐसे ही लगाइए बिल्कुल। ये नेक्स्ट भी हमारा रेडी होने वाला है ये। अब ये गोल्डन वाले बीट्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ये देखिए ये स्पेस है यहाँ पे थोड़े से मैंने लगा दिए हैं। ये बिना फेविकोल के ही यहाँ पे पेस्ट होते जाएंगे बेटा, आप भी इस तरीके से लगा सकते हैं। कर दे बेटा, ये देखिए जो हमने इनकी फिंगर्स कट की थी, अब आपको पेस्ट करनी है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फेविकॉल लगा के। आप फटाफट से इसको पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे, में गैप है यहाँ पे आपको मिरर लगाना है। और अगर आपके पास मिरर नहीं है तो आप ये जो आपने पर्ल लगाए हैं तो आप इससे भी डेकोरेट कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं है आपके पास पे तो जो भी अदर डेकोरेटिव मटेरियल है तो आप उससे भी डेकोरेट कर सकते हैं। अब बेटा मैं तो यहाँ पे मिरर लगाने वाली हूँ, तो आप लोग भी जो भी आप चाहें वो पेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसको जल्दी से पेस्ट कर लीजिए बेटा, ये देखिए कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा गीला है तो इसको टाइम लगेगा सूखने में। और ये कंप्लीट हो चुके हैं हमारे लक्ष्मी जी के चरण। ठीक है बेटा, तो कैसी लगी आप लोगों को ये एक्टिविटी? आप लोग भी जरूर घर में ट्राई करिएगा बेटा। आई होप यू लाइक वॉचिंग दिस वीडियो। बी क्रिएटिव, कीप वॉचिंग। थैंक यू।